बताइए, आपने एक गाना सुना होगा, धोबत धोबत तोहरी मंदिरिया, यानी कि ये सभी अभ्यर्थी जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के हर एक विधायक मंत्री सांसद के पास जो है मंदिर धोते, उनका चौखट जो है पूजा करते करते पहुंचे, लेकिन इन लोगों को नहीं मिली तो वो है नियुक्ति, मिला तो वो है सिर्फ आश्वासन। धूप आ रही है, तपती धूप है, तो उसमें पहली कलम 8 महीना पहले अनाउंस किए, तो वो पहली कलम तो सूख गई होगी स्याही जी, अब उसको लगता है स्याही बाजार में भी उपलब्ध नहीं है, जिससे बढ़ के वो हम लोगों के लिए फिर से साइन करेंगे, तो फिर ये स्याही के लिए हम लोग जो वोट का स्याही दबाएंगे वो भी स्याही सूख जाएगा। बिहार में यही बेरोजगारों के लिए तो ट्रेन बना है, संपूर्ण क्रांति, अर्चना एक्सप्रेस, आपको जनसेवा एक्सप्रेस, गरीब रथ, ये सारी ट्रेन जो है वही बेरोजगार को ढोने के लिए तो बना है। वो बात सही है, लेकिन हम लोग सब कुछ पास हो गए हैं। नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं आप लोग का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन युवा उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे क्या उम्मीद है? जब वो सरकार में नहीं थे तो हम लोगों के साथ थे, सरकार में आते ही हम लोग से मुंह फेर लिए। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप, तो अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के गर्दनी बाग, जो कि मशहूर है यह धरती लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के लिए, और बिहार के अलग अलग जगह से, अलग अलग जिला से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, वह सभी अपने न्याय के लिए आते हैं, अपने भविष्य की न्याय हो, अपने जीवन की न्याय हो, और सभी न्याय की गुहार लगाने के लिए आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं, और जानते हैं इनसे डायरेक्ट कि क्या कुछ इन लोगों का मांग है जो सरकार तक संदेश देना चाहते हैं। ये 2014 के बहाली निकला हुआ है और ये 9 साल पूरी हो चुकी है, और 9 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 से 5 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन युवा बर्बाद हो गया है। बोलते कि हम युवा का सरकार है और युवा को आप रोड पर फेंक दिए उखाड़ कर। हम ये जानना चाहते हैं कि 1778 पूरी आर्ता को पूरा करते हुए आप मेरिट से बाहर कर दिए, मेरिट में भी नाम आ चुका है, लेकिन वो पूरी तरह से सीट रहते हुए भी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। 3000+ सीट खाली है, लेकिन 1778 को बाहर किया गया है। और ये समाधान यात्रा जब नीतीश कुमार ने निकाले थे तो हम लोग 3800 जिला में जा कर हाथ में उनको लेटर दिए, और युवा का कोई समाधान नहीं निकला। ये सरकार बलगलाने के लिए समाधान निकालते, ये कालाबाजारी कर रहे हैं सरकार की। हम युवा को देखते हैं, युवा को कुछ नहीं देख रहे हैं। ये 1778 युवा को बर्बाद नहीं किए, ये पूरे परिवार को बर्बाद किए। यही परिवार सरकार को नीचे गिराएगी, 2024 में आने नहीं देगी। दूर दूर के लोग 3800 जिला से आए हुए हैं, हमारी बहन लोग, भाई लोग, सब लोग आए हुए हैं, और यही युवा 1778 युवा के परिवार युवा सरकार को गिराएगी। यदि हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तो 3800 जिला में जा कर उनके विरोध करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं आप लोग का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन युवा उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे क्या उम्मीद है? जब वो सरकार में नहीं थे तो हम लोगों के साथ थे, सरकार में आते ही हम लोग से मुंह फेर लिए। जिस युवाओं के बल पे कह रहे हैं कि हम युवाओं की सरकार हैं, पहली साइन मेरा 10 लाख नौकरी होगा युवाओं के लिए, उस युवाओं को वो देख भी नहीं रहे हैं, अभी उनकी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि इतनी धूप आ रही है, तपती धूप है, तो उसमें पहली कलम 8 महीना पहले अनाउंस किए, तो वो पहली कलम तो सूख गई होगी स्याही जी, अब उसको लगता है स्याही बाजार में भी उपलब्ध नहीं है, जिससे बढ़ के वो हम लोगों के लिए फिर से साइन करेंगे, तो फिर ये स्याही के लिए हम लोग जो वोट का स्याही दबाएंगे वो भी स्याही सूख जाएगा अगले आने वाले चुनाव में, कि फिर उस पर मोहर इसके लिए स्याही सूख चुका होगा। जो स्याही उसके कलम चलाने के लिए नहीं हो रहा है, फिर हम लोग के लिए भी मोहर लगाने के लिए स्याही नहीं बचेगा, हम लोग भी फिर आगे देखेंगे। बताइए, संकेत है 2024 या 25 चुनाव के लिए, साफ तौर पे कह रहे हैं युवा कि आने वाला जो भविष्य होगा, आने वाला जो राजनीतिक भविष्य बिहार का तय होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं उस पैड का जो जिसपे वॉलेट पेपर होता है उसका स्याही सूख जाएगा, और हम लोग जो है सरकार चुनने में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, नहीं तो सरकार चली जाएगी। आप लोग महिला हैं और आप लोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपना वैकेंसी के लिए लड़ रही हैं, इस तपती धूप में आकर भूख हड़ताल कर रही हैं, 2 दिवसीय भूख हड़ताल है, तो किस तरह से यह सहन होगा, या फिर सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेगी या नहीं लेगी? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, पर लेना तो चाहिए, क्योंकि हम लोग 9 साल से भटक रहे हैं और हम लोग ही ना सरकार बनाए हैं, सरकार तो खुद नहीं बने हैं, युवा की सरकार है, बोलती है कि हम युवा की सरकार हैं, तो जब आप युवा की सुनिएगा ही नहीं तो कैसे युवा की सरकार? हम लोग भी फिर अपना मताधिकार दिखाएंगे ना। पावर सरकार के पास 5 साल है, पर एक दिन का पावर से सरकार गिर भी जाती है और बन भी जाती है,
तो अब हम लोग भी अपना पावर दिखाएंगे और 3800 जिला में हम लोग भी सरकार का विरोध करेंगे कि हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग का जो हक है बस वही मांग रहे हैं, वो आप हमें दे दीजिए और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हक की गुहार लगा रही है बहन भाई, यहाँ पर सभी जो हैं अपने हक की गुहार लगा रहे हैं। वैसे तो बहाली आती नहीं है, वैकेंसी आती नहीं है, जो भी आती है वह रिक्त रह जाती है। बात इसी बात की है, लड़ाई इसी बात की है इन सभी युवा का युवती का कि सरकार जो है जितनी वैकेंसी लाती है कम से कम उतनी वैकेंसी पर बहाली करे। और भी लोगों से हम जानने की प्रयास करते हैं, यह इन लोगों की जो लड़ाई है वह है रिक्त सीटों के लिए, रिक्त सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार तक अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम लोग जो है एक बेर नहीं, लगभग हम लोग जो 200 बेर आंदोलन कर चुके हैं और 2014 से ये बहाली निकला है, 9 सालों से हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। कोई ऐसा पूरे बिहार में मंत्री या विधायक नहीं है जिसको हम दरवाजा पर हम लोग उनको नहीं आते ठकठकाए हैं, सभी खाली आश्वासन देते हैं, अपना जो खाली पल्ला झाड़ लेते हैं, खाली कहते हैं कि आप लोगों के हम जो है ना रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, युवा रोजगार देंगे। ये सरकार जो है रोजगार देने की क्या है, ये जो है से युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है से अपना खाली पार्टी को बचाने के लिए, ये सत्ता को बचाने के लिए सभी युवाओं को जो है से आज रोड पर ला के रख दिया है। 3000 सीट लगभग बचा हुआ है, 1778 स्टूडेंट जो है से 9 महीना से रोड पर भटक रहा है और खाली कहता है सीएम के पास पहुंचते हैं हम लोग तो कहते हैं आयोग के पास जाइए, आयोग कहता है कि सीएम एक बार कह देगा तो हम लोग नियुक्ति कर देंगे, सीएम आयोग कहते रहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि इनका मानसा क्या है। ये 2014 से जो है ये सरकार लगभग जो है से 9 बेर या 8 बेर जो है से ये शपथ ग्रहण किए हैं और हम लोग को अपना जेनुइन मांग है, डीबी करा चुके हैं, फिर भी हम लोग जो है बाहर में कर दिया गया है। हम ये जो है से सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग को जिंदगी से बचा ले 1778 के परिवार को, नहीं तो हम ही लोग जो है अनशन पर तो बैठे हैं, ये अनिश्चित अनशन तक बैठेंगे। हम तो कहते हैं ज्वाइनिंग दे या तो हम लोग को फांसी दे दे, यही हम सरकार से अधिक कहना चाहते हैं। बताइए, आपने एक गाना सुना होगा, धोबत धोबत तोहरी मंदिरिया, यानी कि ये सभी अभ्यर्थी जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के हर एक विधायक मंत्री सांसद के पास जो है मंदिर धोते, उनका चौखट जो है पूजा करते करते पहुंचे, लेकिन इन लोगों को नहीं मिली तो वो है नियुक्ति, मिला तो वो है सिर्फ आश्वासन, आश्वासन मिला नियुक्ति नहीं मिली। आज कह रहे हैं कि या तो नियुक्ति दो नहीं तो जेल दो। अब मिलेगा क्या, या तो इन लोगों के विश्वास पे निर्भर करता है और नहीं तो फिर सरकार के मन पे निर्भर करता है। सरकार का क्या इच्छा है, सरकार क्या सोच रही है, या फिर ये लोग क्या सोच रहे हैं जो आज नियुक्ति नहीं तो जेल की मांग कर रहे हैं। हम लोग यही सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो लड़का 1778 है उस सबको किसी तरह से ज्वाइनिंग कराया जाए। यदि ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तो आगामी लोकसभा में इसी बैनर के साथ पूरे बिहार में हम लोग लेकर के घूमेंगे और इसका विरोध करेंगे कि ये लोग झूठा है। 10 लाख 20 लाख झूठों को रोजगार के बात करता है और 2014 का बहाली जो अभी तक से पेंडिंग चल रहा है, 1778 विद्यार्थी को ये लोग काहे नहीं ज्वाइन करा रहा है। 10 लाख 20 लाख रोजगार कहने से हो जाएगा, 1778 को सबसे पहले ज्वाइन कराए। यदि नहीं कराएगा तो हम लोग पूरे बिहार में इसका विरोध करेंगे, हम लोग यही चाह रहे हैं। बिहार में यही बेरोजगारों के लिए तो ट्रेन बना है, संपूर्ण क्रांति, अर्चना एक्सप्रेस, आपको जनसेवा एक्सप्रेस, गरीब रथ, ये सारी ट्रेन जो है वही बेरोजगार को ढोने के लिए तो बना है। वो बात सही है, लेकिन हम लोग सब कुछ पास हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी का उम्र सीमा नहीं है कि दूसरी बहाली को भरेगा। बहाली निकाल के क्या करेंगे जब आदमी फार्म में नहीं भर पाएगा। इसीलिए जो सब कुछ पास है, टाइपिंग, फिजिकल, मैंने सब कुछ देने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? सरकार से हम पूछ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है बताइए? कैसा न्याय है नीतीश कुमार जी और कैसा न्याय है तेजस्वी यादव जी? यही मांग कर रहे हैं, यही यह सवाल कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी कि किस तरह का न्याय कर रहे हैं बिहार के युवाओं के साथ। और आने वाला भविष्य जो है आपका 2024 और 25 का चुनाव है, तो आप किस तरह से न्याय करेंगे वो आपके हाथ में है, जल्द से न्याय कर दीजिए और इन लोगों की बातों का कुछ मानना कर लीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप दिव्य नेशन के साथ जुड़े रहे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।